असलम वेलकम बैक टू लेट्स बी आर प्रॉब्लम सॉल्वर सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एज यू रेड द टाइटल टूडे आई एम गना शो यू माई होम टूअर बट बिफोर होम टूअर आई एम गना शो यू माई दिस लिटल कैबिनेट टाइप विच आई गॉड टू पुट माई थिंग्स बिकॉज मेरे पास जितने सामान हैं मुझे नहीं लगता किसी और के पास भी है हालाँकि मैं शीशा वाली जो है ये दिखाना भूल चुकी हूँ मुझे अब याद आ रहा है वो इसको करते हुए खैर ये मेरी पिक्चर थी और पिक्चर नहीं एक्चुअली मैं भी स्कूल से आई हूँ मैं दिमाग घुमा हुआ है ये मेरी पिक्चर है सही बोलूँ यार खेल मेरी पिक्चर और ये सर्टिफिकेट है जब मैं थी थी सिटी स्कूल में और मैं तो पिक्चर्स नहीं दिखा सकती बिकॉज़ तो यही मेरे पेरेंट्स की पिक्चर्स हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स हैं और सैनिटाइजर देख के तो आपको मेरी आदत तो और पर्सनैलिटी का पता चल ही गया होगा क्योंकि हम हैं जी पी पी पेंडू प्रोडक्शन खैर वट सॉरी डोंट माइंड ये है टैडी पियर वाला किचन और मैं इधर रुक गई थी क्योंकि मुझे मम्मा बुला रही थी खैर वट एवर ये एक इंक है ये जो मेरी अलमारी में जितने डक जितनी चोरियाँ डली हैं ना मेरे ख्याल से और किसी में नहीं डली मुझे पेंस का बहुत शौक है मैंने इधर पेंस रखे हुए हैं और बाकी भी चीज़ें भाई बस देख लो मैं कुछ नहीं समझा रही वो जो दो दराज़े मैं अभी आगे दिखाऊंगी मुझसे खुली नहीं रही थी इसलिए मैंने उनको रख दिया वापस मैं आपको दिखा दिया था खैर मैं भी इधर पीछे गाना लगा दूंगी सुनो और ऐश करो बाकी देख लेना खुद ही देखो समझो फैशन यूज करो गाना भी ख़त्म हो गया मुझे मेरे ख़्याल से वो ओवर करनी चाहिए और ये मेरी जो डायरीज़ थी इन ये मुझे चॉकलेट कटवा मिला था मेरी टेंथ बर्थडे पे और इसको मैंने खोला और मुझे एक लिप मिला मैंने वो वापस रख दिया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी ये टिशूज़ थे इसमें ये एक पेन थी और ये जो पेन था ये उस यूनिकॉर्न डायरी के साथ ही मेरी सीक्रेट आई जिसका मैंने नहीं दिखाया ये एक वाइप्स था और ये भर टूटी फूटी आई शेड हाँ वही बोलते हैं और ये मुझे मैंने भी खुद देखा लेकिन कुछ भी नहीं था ये था मेरे ख्याल से नेल शाइनर ये मुझे नेल्स के साथ मिला था खैर इसको भी मैंने बंद करके वापस रखा और ये जो समझने वाले समझ जाएंगे खैर ये जो थी दराजी मैंने पिछले वॉइस ओवर में बोल पिछले नहीं थोड़ी देर पहले वाले वॉइस ओवर में बोला था ये मुझसे खुल नहीं रही थी जी जी बिल्कुल सही सुना मुझे खुल नहीं रही थी बहुत ट्राई मैंने की बहुत ट्राई किया दोनों नहीं खुल रही थी और इसी वजह से मैं जंगली हूँ तो मैंने वो ये भी तोड़ दिया इसका डोंट नो ये बहुत नाजुक से बने हुए हैं एंड या दोनों नहीं खुल रहे थे ये जी फिर इनमें जो पिंक वाला था इसके जो लास्ट रोड थी सेकंड रोड थी इसमें मेरी एक अरेजर था और कुछ रिंग्स थी और ऊपर वाले में इसमें नेल्स थे और रेड वाले में ऊपर वाले में सेफ्टी पेंस थी हिजाब थी और नीचे वाले में क्या था वो नेल शाइनर कुछ टाइप होते तो जी जी बिकन हाउस में पर, अच्छा ये मेरा परफ्यूम था इसको इग्नोर करें जी और ये क्रियॉन्स थे और जो पीछे था वो मेरा टूटा पूता वो था हम कैचर्स जो मेरे पास हैं जो बिगन हाउस में पढ़ते होंगे उनको तो इस वर्कशीट के बारे में पता ही होगा लाजमन ये जी मेरा कैलकुलेटर था हर किसी को पता है न बुक माई वॉलेट पेंट शेंट सब कुछ ग्लेटर्स क्रीमें सब कुछ पड़ा हुआ था मेरे पास वैसे कबसे जैसे मैंने खेला था कम्स द टाइटल ये था मेरा रूम और जब मैंने अपना रूम खोला तो सबसे पहले थे बेड अच्छा सबसे पहले मुझे सिंगल बेड नहीं पसंद मुझे ये एक बेड था मैंने दो दो लिए थे तो ये जी हमारा न्यू घर है तो इसलिए मैंने अभी इसको इतना रेनोवेट नहीं किया लेकिन मैं अभी स्टडी एसेंशियल्स ऊपर लाऊंगी क्योंकि वो मेरे नीचे वाला पोर्शन में पड़ी हैं खैर ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है ये हमने घर लिया है और जो उफल्ला बार खिड़की से हवाएँ आ रही थी ये जी मैं सुबह भूखी हूँ मैंने दही और खजूरें सुबह स्कूल गई थी ना उधर ही खा के मैंने रख दी खैर ये मेरी जी टेबल टाइप आप कह लें साइड टेबल नहीं बोलते इसमें बहुत गंदा मचा हुआ था मैंने बंद ही बंद कर दिया और बाय बाय जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है खैर बहुत ज़रूरत है आपकी ये मेरा एस टी था इसके नीचे जी मेरा पूरा जुली मस्तरा पड़ा हुआ था मेरी शॉल्स मेरे कपड़े मेरी नहीं मैं कपड़े तो खैर नहीं पॉवल्स ये टिशू पेपर्स सब कुछ पड़ा थी मेरा बैग भी पड़ा हुआ था इसमें एंड ये भी यहाँ पे मेरे कुछ चीज़ें थी और ये मैंने जब आई थिंक ग्रेड में थी मैंने तब बनाया था मैं बुक फेयर से स्लाइम में ली थी मैंने ली थी ये जी एक सीनरी की पिक्चर है और वो है अल्लाह रसूल मोहम्मद की एक पिक्चर एक डेकोरेशन पीस था मेरे ख्याल से ये जी मेरी क्लॉजिट थी अब आप लोग कहेंगे मैं इतने लंबे कपड़े तो पहनती नहीं वो झूठी है ये जी बिल्कुल नहीं मेरे अपने ही कपड़े हैं लेकिन मैं यही पहनती हूँ खैर ये मेरे नीचे छूस पर थे जो ऊपर पड़े थे ना वो मेरे मम्मा के थे नो डाउट नहीं बोलती और ये जी कुछ दराज़ें थी ये जी रूम के हर किसी के रूम में दराज़ होती ही है ऑबियसली क्या हो गया और इसमें था मेरा सोप वगैरह दूसरे भी मैंने आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाए ये था मेरा एक हिस्सा जहाँ पे मैंने अपनी सारी वॉशरूम की चीज़ें और हैंड लाइक हैंड वॉश और स्किन केयर का कुछ सामान लिखा था तो ये तो मैंने आपको दिखाया था इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी थोड़ी देर बाद वो भी देख लेगा ये बाई दी मेरी लिटिल सी छोटी सी बनी रही थी और ये रेस्टरूम में मैं पूरा दिखाती तो आप खाना खाते हैं मुझे इतनी दुबारी देते कि मैं इधर ही लंबी पैती थी इसलिए मैंने आपको पूरा रेस्टरूम नहीं दिखाया उधर मैं स्कूल से आई थी मेरे मेरा से इतना मीठा खाने का कर रहा था मैंने एक कुकी खा के उधर ही रख दिया अच्छा जी खैर गाइस वो मैंने इतनी लंबी माशाल्लाह उस पर वॉइस ओवर की कि वो वॉइस ओवर ही ख़त्म हो गया और मैं एंड पे आपको बाय कहना भूल गई सॉरी फॉर दैट एंड मुझे बाद में जब मैंने हाथ किया वो मुझे पता चला वॉइस रिकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी है मतलब वीडियो ख़त्म हो चुकी है एंड अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ टू से यू अलविदा एंड या हाफिज़